क्या टाटा पंच का जमाना गया? क्या इंडियन कार मार्केट की पल्स जापानीज ब्रांड ने पकड़ ली है? क्या अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है? अगर आप एक 6 से 10 लाख के बजट में शोरूम से नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो अभी रुक जाओ और इस कंफ्यूजन का सलूशन यहां से ले लो। बिकॉज हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि इस सेगमेंट में टाटा पंच को कंपेयर करने के लिए कोई टक्कर का खिलाड़ी तो है नहीं, तो टाटा पंच ही ले लो। तो अब आ गया है वो कॉम्पिटिटर जो शायद इस बार सबके छक्के छुड़ा दे, मतलब हम लोगों की वन ऑफ द फेवरेट कार ब्रांड Hyundai। मैं Hyundai को ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फीचर्स की बारिश के साथ साथ Hyundai इस बार एक मिनी SUV में बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा है ना कुछ जबरदस्त। तो हाँ, बात कर लेते हैं Hyundai Exter की, जिसको कुछ लोग पंच किलर भी बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या किल कर रही है ये तो कंप्लीट रिव्यू के बाद ही पता चलेगा। पहले बात करेंगे इसके बारे में, फिर बताऊंगा ये कार क्यों परचेस करनी बनती है। वीडियो में बने रहिए। तो पहले बात करें ओवरव्यू की, तो ये एक 6 से 10 लाख की कैटेगरी में लॉन्च होने वाली मिनी SUV है। क्रेटा और वेन्यू के बाद जो कैटेगरी Hyundai मिस आउट कर रहा था वो सिर्फ यही कैटेगरी है जिसमें चौके छक्के मारने दूसरे ब्रांड्स का टफ कॉम्पिटिटर Hyundai Exter लॉन्च हुआ है। तो बात करते हैं इसके लुक्स की। हम भारतवासियों की पहली प्रायोरिटी होता है लुक्स। इसकी डिजाइन लैंग्वेज Hyundai की हैचबैक डिजाइन थीम से मैच करता है। इसके फ्रंट बम्पर, सी पिलर या टेल गेट का ये ग्लॉसी फिनिश डिजाइन Hyundai की डिजाइन फिलोसफी को कंटिन्यू करता है। इसकी क्लैडिंग, रूफ रेल या स्क्वायर शेप्ड आर्चेस इसको एक SUV जैसा लुक देते हैं। अब अगर फ्रंट की बात करें तो इसमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है एच शेप्ड LED DRLs के साथ, और ये एच शेप्ड LED DRLs इसके टेल लैंप्स में भी कंटिन्यू हो रहे हैं। अब क्योंकि ये मिनी SUV है और Hyundai को देख के जाहिर सी बात है कि ये एक हैचबैक का प्लेटफॉर्म शेयर करती होगी। एंड यस, ये एक्चुअली आइटन नियोस के प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से डायमेंशन में भी आइटन नियोस से सिमिलर है, जिस वजह से इसकी लेंथ 3815 mm और व्हील बेस 2450 mm है, जो आइटन नियोस का भी सेम है। जबकि इसकी हाइट 1631 mm और विड्थ 1710 mm है, वहीं पे इसको 15 इंच के अलॉयज आते हैं जो डुअल टोन में भी अवेलेबल हैं। Hyundai Exter के कुछ अमेजिंग स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, जिनकी बात अभी 2-3 पॉइंट्स के बाद करेंगे। ऑनेस्टली इट्स अमेजिंग। तो डिजाइन और डायमेंशन के बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंजन। मेरे अलावा और कितने लोगों को कार का इंजन सबसे ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट लगता है, प्लीज कॉमेंट में बताओ। Exter अपने सेगमेंट की इकलौती कार है जो 4 सिलेंडर कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। इसमें 1200cc का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और ये 2 फ्यूल ऑप्शन ऑफर करती है, पेट्रोल और CNG। यस, कंपनी फिटेड CNG। इसका पेट्रोल इंजन 81.8 bhp की पावर और 113.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसका माइलेज 18 से 20 kmpl का है। इसका CNG वेरिएंट 65.5 bhp की पावर और 95 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और यहाँ माइलेज इनसेनली 27 किलोमीटर पर kg का मिलेगा। और ये शायद इस सेगमेंट में आने वाली दुनिया की सारी गाड़ियों में पहली होगी जिसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट में पेडल शिफ्टर भी दिए गए हैं। कुछ छोटी छोटी मगर जरूरी कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। इसको 391 लीटर्स का बूट स्पेस आता है, फ्यूल टैंक 37 लीटर्स का है, वारंटी 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है। अब कार के इंटीरियर्स की बात करते हैं, जहां सारा फीचर्स के नाम पे मैजिक भरा हुआ है। रियर सीटिंग कैपेसिटी 2 ऑडल्ट्स और 1 चाइल्ड के लिए कंफर्टेबल है और 3 ऑडल्ट्स के लिए एडजस्टिंग। इन सीट्स की रिक्लाइनिंग पोजीशन और अच्छा खासा बूट स्पेस निकालना इज इंप्रेसिव स्पेस मैनेजमेंट। हेडरूम और नी रूम अच्छा खासा है और सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ। रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं विद 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। डोर पॉकेट्स में भी अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है फॉर बॉटल्स। इसमें फैब्रिक और लेदर सीट्स दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट यू चूज। अब फ्रंट सीट्स और इसके बाकी सारे फीचर्स की बात करते हैं, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि वाई टू बाय Exter। डैशबोर्ड को कंप्लीट ब्लैक फिनिश दिया गया है, जहां इसका ये 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ी सारी डिटेल्स और फंक्शंस को मैनेज करने में हेल्प करता है, वो भी बिना लैग किए। और वो इसलिए बिकॉज आइटन नियोस वाला स्क्रीन नहीं है, ये प्रीमियम टच स्क्रीन आपको किया सेल्टोस, सोनेट या क्रेटा या वेन्यू में देखने को मिलता है। इसका मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील इज अ ग्रेट हेल्प फॉर ड्राइवर, जो कि टिल्ट फंक्शन ऑफर करता है फॉर बेटर सिटिंग पोजीशंस। और लेफ्ट साइड के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑडियो कंट्रोल्स के दिए हैं, वेयर एज राइट साइड के कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल के हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम माने TPMS दिया गया है, जो फिर से इस सेगमेंट में सिर्फ Exter में ही आता है। इसके AC की बात करें तो ये एक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC है, जिसके जस्ट बिलो एक 12 वोल्ट का सॉकेट अलॉन्ग विद USB टाइप ए एंड टाइप सी दिया गया है। चौंकाने वाली बात है कि इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। इसके IRVM के जस्ट पीछे एक कंपनी फिटेड डैश कैम भी इंस्टॉल है, जिसमें आगे और पीछे के लिए कैमरास दिए गए हैं, जो आपको वेन्यू में देखने को मिलता है। और ये फीचर भी इस सेगमेंट में सिर्फ Exter में ही आता है। और पैडल शिफ्टर के बारे में तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। एक और प्रीमियम फीचर जो इस सेगमेंट की और किसी गाड़ी में नहीं आता है, और वो फीचर है सनरूफ। यस गाइस, इसमें सनरूफ भी आती है।
अब बाकी सारे फीचर्स की लिस्ट स्क्रीन पे दे रखी है, प्लीज वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब सेफ्टी के रिगार्डिंग जो बात बतानी थी वो प्रॉमिस किया था, वो ये है कि इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आ जाते हैं और ह्यूंडई ने मीडिया इंटरेक्शन में बताया है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी पे भी काम किया है। अब वो सेफ्टी रेटिंग आने पे पता चल ही जाएगा, लेकिन जब पहली बार ह्यूंडई ने बिल्ड क्वालिटी पे अपनी चुप्पी तोड़ी है तो कोई तो बात होगी। सेफ्टी फीचर्स की एक लिस्ट दी गई है, उसको देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें जैसे कि स्पेस और फीचर्स भर भर के हैं जो हमें प्रीमियम कार्स में देखने को मिलते हैं, वो इस गाड़ी में 6 से 10 लाख के प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। तो अब अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं कि ये प्रोडक्ट वर्थ बाइंग है, तो बता दूं कि इतने फीचर्स इस प्राइस पॉइंट पे विद अमेजिंग वारंटी, ये तो एक अच्छा खासा पैकेज हुआ। और जैसे कि कार लेने के बाद उसके सर्विस और मेंटेनेंस के लिए ह्यूंडई एक अच्छा सर्विस नेटवर्क ऑफर करता है, तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। बाकी जिस किसी ने भी आप लोगों में से ये कार लेने की सोची है, वो एक अच्छा डिसीजन रहेगा। इसका टाटा पंच के साथ एक इन डेप्थ कंपैरिजन और वेरिएंट वाइज फीचर और प्राइस के दो अलग अलग वीडियोस चैनल पे दिए हुए हैं, प्लीज गो एंड चेक। तब तक कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और अपना खूब खूब ख्याल रखें। और हाँ, सब्सक्राइब टू ऑटोटेक गाइस। ओके देन।